आज हमारे स्कूल में इस गांव के शिक्षा मंत्री जी आए हैं। शिक्षा मंत्री जी मतलब नेताजी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उन सवालों का सही सही जवाब देना होगा। नेताजी सबसे पहले लड़कों से सवाल पूछेंगे, उसके बाद लड़कियों से सवाल पूछेंगे, तो आपको सही सही जवाब देना होगा। सबसे पहले मैं पासी से सवाल पूछने का आग्रह करूंगा नेताजी से। नेताजी पूछिए। पासी ये बताओ, सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन सा होता है? सर हाथी। यही पढ़ाते हो? सर ये पासी तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे हैं। गुंडे डॉन है डॉन। शाबाश बेटा शाबाश। तो बच्चों सबसे तेज उड़ने वाला पंछी क्या होता है? जी हाथी। हाथी। पासी बेटा अपने पिताजी को मेरी तरफ से नमस्कार बोल देना। अब नेताजी कालिया से सवाल पूछेंगे। अच्छा नाम है कालिया। ए कालिया। नाम है काला, सकल भी काली, लगाता हूँ क्रीम। मान लो इस टीचर को कुछ सुनाई नहीं देता तो इनको क्या कहेंगे? सर कुछ भी कह लो, कुत्ता कह लो, कमीना कह लो, कौन सा उसको सुनाई देता है? नालायक ए बी सी डी सुना। ए बी सी डी। और सुना? सब बढ़िया नेताजी, आप सुनाओ आपके क्या हाल चाल है, इधर कैसे आना हुआ? नालायक और सुना का मतलब आगे सुना, आगे आपके आगे कि टीचर के आगे? अरे कमबख्त ये बता तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? नेताजी पढ़ाई दो वजह से की जाती है, एक डर से एक शौक से। शौक में फालतू रखता नहीं, डरता किसी के बाप से नहीं। एक से पांच तक की गिनती तो आती होगी या वो भी नहीं आती? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो सुना दो तीन चार पाँच। दोबारा सुना। अरे दो तीन चार पाँच। अबे एक कहाँ गया? एक एक मर गया। क्या मतलब है? आज सुबह न्यूज में बता रहे थे कि एक्सीडेंट में एक मर गया। यही पढ़ाते हो? सर ये मान ले कि एक तरफ पैसा है और एक तरफ अकल, तू क्या चुनेगा? नेताजी पैसा। लेकिन मैं तो अकल चुनता, जिस चीज की जिसको जरूरत होगी वही चीज तो चुनेगा। मैं अभी के अभी आदेश देता हूँ कि इस बच्चे को स्कूल से निकाल दो। सर हाँ हाँ निकाल दो, स्कूल से निकाल दो। अब लड़कियों की बारी आती है, अब नेताजी लड़कियों से कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मैं पद्दुली को सवाल पूछने के लिए नेताजी को आमंत्रित करूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़कियां तो बहुत सीधी होती हैं, बिल्कुल गाय होती हैं गाय। तो बेटा सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा पंछी उड़ नहीं सकता? जी मरा हुआ पंछी नहीं उड़ सकता। मान लो कि टोकरी में दो आम हैं और दोनों आम सड़ गए, तो कितने आम बचे? जी दो आम। वो कैसे? अरे सड़े हुए आम केले तो नहीं बन जाएंगे ना, रहेंगे तो आम ना, तो दो आम नहीं बचे। अच्छा ये बताओ बादाम खाने से क्या होता है? जी खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं।